मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम एक और फंडामेंटल लॉ डिस्कस करते हैं दैट इज लॉ स्टूडेंट्स लॉ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करता है वॉल्यूम के साथ यानी कि उनकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस करता है स्टूडेंट्स इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट सेम टेचर एंड प्रेशर मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अगर हमने दो गैसेज ली हैं और वो दोनों की क्वान्टिटी वन मोल वन मोल है तो उनके अंदर

थर्टी टू ग्राम्स और जो पार्टिकल्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही होगी जो कि स्पेक्ट्रोमीटर से क्लोजली ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलते हैं जो कि तमाम गैसेस के अंदर वन मोल के लेवल के अंदर या वन मोल की क्वांटिटी के अंदर सिमिलर होते हैं दैट इज़ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच विल बी इक्वल टू या विच विल हैव द वॉल्यूम ऑफ अबाउट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं मोलर वॉल्यूम अब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हम इस तरह से भी कन्फर्म कर सकते हैं बाई लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ पॉइंट जीरो नाइन ग्राम ऑफ़ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टूडेंट्स पॉइंट जीरो नाइन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट वन डेसीमीटर क्यूब तो अगर हम देखें मैथ जो है हाइड्रोजन का वो होता है टू पॉइंट ज़ीरो वन सिक्स ग्राम्स यानी कि वन मोल का होता है इतना तो हम वहाँ से देखेंगे कि कितना वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इतना मैस यानी कि टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ग्राम ऑफ मैस कॉन्स्टिट्यूट विद हाउ मच वॉल्यूम टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी पी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ हाउ मच वन बाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू 2.016 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो के इक्वल होती है हमारे मोलर वॉल्यूम के तो इधर से भी प्रूव हुआ देन स्टूडेंट्स वही वाली बात आ जाती है कि जितने ज़्यादा क्वांटिटी होगी नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा कोई भी गैस वॉल्यूम प्रोजेस करेगी आगे स्टूडेंट्स हम इसको एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट एट में मजीद डिस्कस करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ टेन ग्राम ऑफ अमोनिया आपको मैथ गिवन है अमोनिया का हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे मैथ टेन ग्राम है बाई मोलर मैथ सेवनटीन है इसको डिवाइड करेंगे टेन डिवाइडेड बाई सेवनटीन विल बीवल टू विल बीवल टू पॉइंट फाइव एट एट मोल्स पॉइंट फाइव एट एट मोल्स स्टूडेंट्स अब आप, आप क्या करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने उनको कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट फाइव एट एट मल्टीप्लाई बाई एवेगाडोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट फाइव एट एट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवेगाडोज नंबर से पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री विच विल टू थ्री पॉइंट फाइव फोर थ्री पॉइंट फाइव फोर टू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स इतने मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं अब हम क्या करेंगे कि हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो हम अटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अटोमिसिटी अटोमिसिटी कितनी है अमोनिया की फोर 3.54 4 which will be equal to 14.16 14.16 यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.4 10 24 इसी तरह हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अब वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 10 ग्राम ऑफ अमोनिया 1 मोल इज़ इक्वल्स टू सेवेंटीन ग्राम्स ऑफ इट वन मोल के अंदर सेवनटीन ग्राम्स ऑफ अमोनिया होता है विच इज़ इक्वल्स टू अबाउट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब यानी कि हम इसको इस तरह से रिलेट कर देंगे कि वन मोल के अंदर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है तो पॉइंट फाइव एट एट मोल्स के अंदर कितना होगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर को जीरो पॉइंट फाइव एट एट से ट्वेंटी टू पॉइंट फोर फोर वन फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव एट एट विच विल बी इक्वल टू थर्टीन पॉइंट वन विच विल बी इक्वल टू थर्टीन पॉइंट वन